प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को करेंगे संबोधित। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों का इंतजार आज होगा खत्म, मुख्यमंत्री सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा के 3 दिवसीय दौरे पर, गर्जा में एकलव्य आवासीय विद्यालय के नए भवन का किया उद्घाटन, लोगों से सरकारी योजना का फायदा लेने की अपील। और साहेबगंज में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी का सिकंजा, साहेबगंज समेत राज्य के कई ठिकानों पर की जा रही है छापेमारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्य भाषण देंगे। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की ओर से अरुण जेटली के राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान को मान्यता देने के क्रम में प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री आज से आयोजित हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से बातचीत भी करेंगे। तो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले उन्होंने किया था और जाहिर सी बात है ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम जो बात करते हैं उस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देखा जा सकता है। हमने देखा था उनकी लीडरशिप के अंदर कैसे जीएसटी को भी इम्प्लीमेंट किया था और कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आप आज भी देश में देखते हैं तो अरुण जेटली उनके पीछे रहे थे। तो कैसे उनकी एक लेगेसी थी प्राइमरली और कैसे जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो उनके जो इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं राष्ट्र के लिए उस बात पर एक तरह से फोकस करते हुए दिखाई देंगे। एक और प्रोमिनेंट बात यहाँ पर यह है कि जो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हो रहा है इसमें कल से वर्ल्ड के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं बड़े जो नाम है इकोनॉमिक के क्षेत्र के अंदर उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाले हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,815 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 15,899 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,22,335 नए मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 102 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जबकि 56 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 462 सक्रिय मामले शेष हैं जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.68% हो गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198,51,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। ये सभी 7वीं से 10वीं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं। इन युवाओं का चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड श्रम नियोजन सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड रजिस्ट्रेशन सेवा, झारखंड सहकारिता सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिए हुआ है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेंगी। सेना द्वारा जारी जोन वॉर कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से होगी शुरू, दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1,700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3,000 भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गर्जा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, ताकि आदिवासी बच्चों का शिक्षा और खेल के माध्यम से सर्वोन्मुखी विकास हो सके। इससे पहले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 3 दिवसीय दौरे पर कल सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा पहुंचने पर उन्होंने नगर भवन परिसर में अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर स्मारक भवन के समक्ष उनकी मूर्ति निर्माण की आधारशिला रखी। भोक्ता समाज संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भी श्री मुंडा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सक्रिय रहने वाले भोक्ता समाज के और यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, माताओं बहनों, भाई बुजुर्गों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत आभार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। जून में लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड के रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आया है। राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में माली गणराज्य के भारत के राजदूत अंजनी कुमार ने मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। राज्यपाल रमेश बैस कल से कोल्हान प्रमंडल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री बैस कल आदित्यपुर स्थित एनआईटी कैंपस में उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपति और प्राचार्य उपस्थित रहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने राज्यपाल के दौरे को लेकर एनआईटी परिसर का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम तय हुआ है, 2 दिन माने 8 और 9 तारीख को कोल्हान क्षेत्र का भ्रमण उनके द्वारा किया जाएगा। कल महामहिम महोदय जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर में उनका स्थानीय कार्यक्रम है और इसी तरह शनिवार के दिन एनआईटी के प्रेमिसेस में उन्नत भारत अभियान के तहत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस झारखंड के चारों कोने से कई सारे वाइस चांसलर्स एंड जो हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स इसमें भाग लेंगे। मुख्यतः ये कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के बारे में विचार विमर्श करने के संबंध में है। इनोवेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये दायित्व दिया गया कि 5 गांव आप गोद लेते हुए वहाँ विकास की गति बढ़ा दें, तो इसके तहत एनआईटी भी 5 गांव गोद लिया था। इसी तरह पूरे राज्य में कई सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस तरह का काम कर रहे हैं। साहिबगंज जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के शक्रुगढ़ स्थित आवास पर आज सवेरे से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा राज्य के कई ठिकानों सहित साहिबगंज विभिन्न प्रखंडों के पत्थर व्यवसायियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गुमला पुलिस ने बिशनपुर थाना क्षेत्र में 6 जुलाई को हुई घटना में शामिल नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर माठो लोहरा को एक देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है।
चतरा जिले में पुलिस ने अफीम की खेप के साथ तस्कर दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित पथलगढ़ा थाना पुलिस की स्पेशल टीम को दंपति को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तस्कर दंपति के पास से 1 किलो गीला अफीम, तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन और छोटा इलेक्ट्रॉनिक मापतौल मशीन जब्त किया गया है। अफीम की खरीद बिक्री करने हैं तो हजारीबाग की ओर नावाडी से जाने वाले हैं। इस संदर्भ में एक रेडिंग टीम का गठन किया गया। रेडिंग टीम जैसे ही उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया, रेडिंग टीम को देख करके एक महिला और एक पुरुष बाइक छोड़कर भागने का प्रयास किया। खदेड़ कर जब उनको पकड़ा गया तो तलाशी के क्रम में उनके पास से 1 kg पट्टा अफीम बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 1 छोटा माप तौल का इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होता है वो जब्त की गई है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित औराडी में बैंकों, सरकारी विभागों और कृषि से संबंधित रिसर्च केंद्रों के अधिकारियों के लिए नाबार्ड परियोजना में एक्सपोजर विजिट सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अन्य लोगों के अलावा नाबार्ड के उप महाप्रबंधक जय निगम और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के उप महाप्रबंधक सुबोध कुमार भी शामिल हुए। और सिद्धार्थ के प्रोग्राम से पूरे बैंकर लोग पूरे झारखंड से आए हुए हैं और आज हमारे कृषि को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं नाबार्ड के द्वारा और सिद्धार्थ के द्वारा। क्या कुछ जलछाजन के फलस्वरूप महिलाओं ने, दीदी ने, दादा ने, सबका उनका जो लाइवलीहुड है कितना इम्प्रूव हुआ, कितना कॉन्फिडेंस आया कि जो अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, रोजी रोटी के लिए बहुत बेकार में, बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत कठिनाइयों में थे, आज वो आगे निकल के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ इस तरह का कार्यक्रम और आगे भी होगा ताकि इनको, महिलाओं को भी और दीदी दादा सबको, अलग अलग जो सरकारी तंत्र में जो लोग हैं, चाहे बैंक में हो, विश्वविद्यालय में हो या और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आके मिले, बात करें, उनसे डायरेक्टली बात करें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाइयाँ हैं। और ये एक एक्सपोजर मीट रखा गया है कि जो बैंक की योजनाएं चल रही है, जो नाबार्ड की योजनाएं चल रही है गांवों में, उनके किसानों के, महिलाओं के विकास के लिए जो चल रही है, उसके लिए हम लोग फील्ड विजिट कर रहे हैं कि कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची और ग्राउंड पे जाकर ये जानने का मौका हम लोग को भी मिल रहा है कि कैसे योजनाएँ चल रही हैं, क्या समस्याएँ हैं, ताकि हम लोग उसको फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं या उनको फर्दर मदद कर सकते हैं। जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है, ऋण के माध्यम से विकास, ये हमारा मूल मंत्र है और इन प्रयासों को बल देने के लिए जो भी आवश्यक है, जैसे किसानों की आय बढ़ाना, उनकी ऋण लेने की क्षमता बढ़ाना और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना, जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को सुधारें और अधिक इकोनॉमिक गतिविधियों को कर पाएँ और उसके साथ ही ओवरऑल जो इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट हो, कृषि की भी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव हो, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेंज डीआईजी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इधर राजधानी रांची में भी वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने देर रात सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपाधीक्षकों के साथ बकरीद को लेकर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देश के किसानों को दिन बहुत बहुरने लगे हैं। इस योजना की बदौलत रांची के किसान प्रेम महतो अब जमकर खेती कर रहे हैं। रांची जिले का जमुआ टोली किसानों से भरा पूरा गांव है और आज यहां के खुशहाल किसानों में से अग्रणी नाम है प्रेम महतो। प्रेम अपने खेतों से 3 फसलें लेते हैं और इसका श्रेय वे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देते हैं। हम लोग को समय से पूंजी मिल जाता है, कहने का मतलब है कि किस प्रधानमंत्री योजना से 3 बार मिलता है तो 3 फसल लगाते हैं हम लोग। उसमें हम लोग को खाद बीज के लिए दुकानदार से कर्ज नहीं लेना पड़ता है, हम लोग उसी से काम चला लेते हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए प्रेम कहते हैं
कि पूंजी के अभाव में वे पहले जमकर खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने खेतों में ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था कर ली है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, मेहनत भी कम करना पड़ता है। और पूंजी के अभाव के कारण हम लोग खेती ढंग से नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग ड्रिप का सिस्टम लिए हैं तो ड्रिप से हम लोग का पानी का भी बचत हो जाता है और ये मेहनत भी कम लगती है। यह कृषि और किसान हितैषी योजना को लाने के लिए प्रेम एक ओर जहां केंद्र सरकार का आभार जताते हैं, वहीं मिलने वाले लाभ की राशि में यथोचित इजाफा की गुजारिश भी करते हैं। प्रधानमंत्री निधि जो योजना चल रही है उससे तो किसान लोग को फायदा है, हमको भी फायदा है। समय समय पे किसान वो पैसा निकाल के अपना खाद बीज दवा के लिए उपयोग किया जाता है। दरअसल पूंजी के अभाव में किसान या तो मन मुताबिक खेती नहीं कर पाते थे या फिर साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों की मौसमी पूंजी की समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में जिला प्रशासन के सौजन्य से आदिम जनजाति के करीब 300 बिरहोर और बैगा परिवारों के बीच लोहे की कड़ाही का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव ने बताया कि लोहे की कड़ाही के वितरण करने का मुख्य उद्देश्य उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनका पोषण स्तर को बढ़ाना है। लगता है कि 300 परिवारों को हम लोग दे दिए हैं, जैसे पीटी जी डाक किया गया, उनको राशन भी देते हैं हम लोग, एक एक फैमिली को हम लोग पेंशन भी देने का काम कर रहे हैं। जो आदिम जनजातियों के लिए जो आवास वृक्षावास का जो है इसके लिए प्रस्ताव गया हुआ है, उधर से पास होकर के आएगा तो सबको हम लोग दे देंगे। बर्तन हम ले जाए था सरकार फगवा सिमर बिलोक से राजद प्रमुख लालू प्रसाद की तबीयत में निरंतर सुधार हो रहा है। श्री प्रसाद की पुत्री और सांसद मीसा भारती ने आज सुबह सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है, जिसमें बताया गया है कि पहले से उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और अब वे बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 9 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो सकता है, उसके बाद राज्य के लगभग कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इधर प्रधानमंत्री के देवघर आगमन से एक दिन पूर्व पूरा बाबा धाम दीपों से जगमग हो उठेगा, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। एक लाख दिए हम लोगों ने जलाने हैं और हम लोगों ने उसके प्रारूप उसकी रूपरेखा तय कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विश्व के और भारत के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ऐसे आदरणीय नेता हमारे तो हमको 5-6 बजे लगेगा, 5 मीटर बना रहे हैं सब मार्केट। राजकीय श्रावणी मेला को लेकर देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल देर रात बाबा बैद्यनाथ धाम के आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवरिया पथ और रूट लाइन में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उपायुक्त ने रूट लाइन का निरीक्षण करते हुए नंदन पहाड़, कुमैठा और बीएड कॉलेज का भ्रमण किया। इस दौरान वहां चल रहे विभिन्न कार्यों के साथ साथ पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, पुलिस आवासन की व्यवस्था के साथ सड़क किनारे बिजली के पोल और तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों और कार्यपालक अभियंता को दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। तीन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल साउथहैम्पटन में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। जीत के लिए 199 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पारी 19 ओवर में और 3 गेंदों में 148 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। भारत के हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन मैच का प्रमुख आकर्षण रहा। हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 51 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सामान्य के आश्रितों के 36 आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें 23 को स्वीकृति दी गई। शेष आवेदनों पर विचार विमर्श के बाद कार्मिक विभाग के मार्गदर्शन का निर्णय लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की उपस्थिति में समर अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिले में गठित पोषण दल के द्वारा 270,000 परिवारों का गृह भ्रमण के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें करीब 9,000 में कुपोषण एवं एनीमिया के संदिग्ध मामले की पहचान हुई है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 और तोप चाची की 1 छात्रा को इंटर आर्ट्स में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। पलामू प्रमंडल के आयुक्त ने क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बैठक के दौरान कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन में पदाधिकारियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पलामू जिला परिषद बोर्ड की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपविकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने पौधा देकर नई अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी का स्वागत किया। इसके पश्चात विभिन्न विभागों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई, जिसमें कृषि विभाग द्वारा पूर्व में खाद वितरण के लिए लाइसेंस निर्गत करने में लापरवाही मामले की जांच का निर्णय लिया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक दल ने खूंटी जिले के उलीहातू गांव में किसानों के लिए सामुदायिक ज्ञान की सुरक्षा विषयक एक दिवसीय बैठक तथा बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने फसलों के पादप अनुवांशिकी तथा परंपरागत फसल किस्मों के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में जिला द्वारा आदिम जनजाति के करीब 300 बिरहोर व बैगा परिवार के बीच लोहे की कड़ाही का वितरण किया गया, ताकि ये अच्छी तरह से भोजन बनाकर अपने पोषण के स्तर को बढ़ा सके। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव तथा अंचल अधिकारी जुल्फिकार अंसारी उपस्थित थे। जमशेदपुर स्थित समाहरणालय सभागार में पूर्व सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अमृत सरोवर, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, अंबेडकर आवास, मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास समेत योजनाओं की समीक्षा की गई। जमशेदपुर के मानगो स्थित RVS अकादमी स्कूल के बच्चों द्वारा आयोजित ई वेस्ट रैली प्लास्टिक जागरूकता रैली को कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए कपड़े और पेपर के थैले को देखकर उनके पहल की सराहना की गई। राजधानी रांची के शहरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर घर को आग के हवाले करने वाले चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हटिया RPF पुलिस ने ट्रेन से गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 35 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों युवक बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रकृति ने झारखंड को कोयला, लौह अयस्क, खनिज संपदा से नवाजा है और धरती के गर्भ को चीरकर इसे बाहर निकाला जाता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान ने CCL और सेल समेत अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर खनन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से पौधारोपण का मॉडल तैयार किया है।
झारखंड के भी विभिन्न हिस्सों में सीसीएल और सेल समेत अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इन खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान की ओर से संबंधित कंपनियों से अलग अलग एमओयू किए गए हैं ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ऐसे क्षेत्रों का पुनरुद्धार करके इनको सौंपने के लिए एक एमओयू हुआ है जिसमें तकनीकी सहायता तकनीकी नॉलेज पूरा हम लोगों का रहेगा और उसमें एमओयू के अंतर्गत जो गतिविधियां उन्हें करनी है वो उन्हें करके देनी है, बाकी प्लांटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी और मॉडल बना के पूरा देना है जिससे केवल वहां पौधे लगाने जैसा सामान्य कार्य नहीं है बल्कि हम अन्य प्रजातियों को भी किस प्रकार से लगाएं जिससे हम लोग स्लोप मैनेजमेंट भी कर सकें। वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी का कहना है कि खनन क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए संस्थान की ओर से आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वही त्रिस्तरीय स्लोप मॉडल के अनुसार न सिर्फ खनन क्षेत्रों में हरियाली लाई जाएगी बल्कि वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शीघ्र ही शायद हम लोग अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखा पाएंगे क्योंकि संस्थान जिस काउंसिल के अंतर्गत है उस काउंसिल के पास भी एक लंबा अनुभव है। जैसे कर्नाटक में बेल्लारी में हम लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग एक अच्छे उदाहरण पेश कर सके जिसको कि आगे हम लोग अनुकरण कर सकें या वो अनुकरणीय हो। संस्थान की ओर से कर्नाटक के बेल्लारी खनन क्षेत्र में भी सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्य किया गया है जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि नई और अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से झारखंड के खनन क्षेत्रों में भी पौधारोपण से हरियाली में बढ़ोतरी होगी। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को करेंगे संबोधित। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों का इंतजार आज होगा खत्म, मुख्यमंत्री सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा के 3 दिवसीय दौरे पर, गर्जा में एकलव्य आवासीय विद्यालय के नए भवन का किया उद्घाटन, लोगों से सरकारी योजना का फायदा लेने की अपील। और साहिबगंज में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी का शिकंजा, साहिबगंज समेत राज्य के कई ठिकानों पर की जा रही है छापेमारी।